जम्मू कश्मीर में जो एनडीए गठबंधन है बहुमत से जो है सरकार बनती दिख रही है, और हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होते हुए दिख रही है। तो अभी जब तक अंतिम चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फौरी तौर पे जो हम देख रहे हैं कि हमें हरियाणा में उम्मीद थी, क्योंकि जिस ढंग से 10 वर्षों में हरियाणा में जो लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उस पर लगता है कहीं ना कहीं उसका वो नहीं चला है। और अभी सही रूप से जब नतीजे आएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कारण रहे, अगर हम पिछड़े तो क्यों पिछड़े। लेकिन मुझे ये लगता है कि हरियाणा में जिस ढंग से भाजपा ने वहाँ दुष्प्रचार किया और पूरे चुनाव को वो कम्युनल लाइन पे ले गए, हालांकि जम्मू कश्मीर में इसका असर नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में भी 10 वर्षों बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी के रुझानों के मुताबिक दिख नहीं रही कि कर पा रही है। तो वहाँ के लोगों ने लगता है कि इंडिया गठबंधन को जो है अपना मैंडेट दिया है, और जो बड़े बड़े दावे एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कर रही है उन दावों की जो है हवा निकलते दिख रही है। हरियाणा में सारे फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में थे, यहाँ तक कि एग्जिट पोल भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में था, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो बार बार आपत्ति जता रही थी। तो ऐसे में आपको, क्योंकि संगठन में आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो क्या लगता है कि संगठन क्यों पिछड़ा वहाँ पर, कुछ कारण क्या मानते हैं हार का? देखिए, किसी भी चुनाव में संगठन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और हिमाचल प्रदेश में इसका जीता जाता उदाहरण है कि मैं जो पार्टी का अध्यक्ष था, हमने संगठन की मजबूती पे पूरा ध्यान दिया और पार्टी को इकट्ठा किया, एकजुट किया, छोटे मोटे जो मतभेद हर दल में रहते हैं उनको ख़त्म किया। तो हमने हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, और जब 4 उपचुनाव आए, और आप जानते हैं कि उपचुनाव हमेशा जो रूलिंग पार्टी है जो सत्ता में होती है वो जीतती है, हमने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने जो है 4 उपचुनाव जीते और पूरे प्रदेश में एक माहौल बना, एक नरेटिव हमने जो भाजपा की प्रदेश सरकार थी उनके खिलाफ सेट किया, और उसी का परिणाम ये रहा कि विधानसभा में हमारी सरकार बनी। अब संगठन को लेकर हरियाणा की क्या स्थिति है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब चुनाव के पूरे परिणाम आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमें इस बात को की भी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि क्या कारण रहे। हिमाचल का बड़ा प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया हरियाणा में कांग्रेस की गारंटियों को लेकर, क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, सैलरी में इस बार देरी हुई, टॉयलेट टैक्स की बात आई और मस्जिद विवाद आया, इसका भी असर हुआ? अब देखिए, ये सारे कारण जो हमारी हरियाणा की कांग्रेस कमेटी है, क्योंकि हमने तो बाहर से रह के उस चुनाव को देखा है, अंदर क्या स्थिति रही है इसकी मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी जो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी है, हमारा जो वहाँ का यूनिट है, वो इस पे विचार करेगा कि कौन से ऐसे कारण रहे कि हम चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए।